गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो गाइस। ना दो के तैयार, बाल बनने का टाइम नहीं है, हमें जाना है। और जो गाजर का हलवा बनना रह गया था एक चीज की वजह, वो तो आज ले आएंगे से ही, शायद से। मैंने कॉल कर लिया है, अब बाकी का सामान भी ले आते हैं, दूध और वो बाकी का जो लगता है। चलो फटाफट। एक सौ दस रुपये मजा बना के रख दिया। और ये आज बादाम पाँच पाँच रुपये में, तीन काजू, तीन बादाम। गाजर का हलवा, यहाँ पे हलवा तैयार हो गया। मेरे आपका मौसी भक्तन आवाला है, बनो तुम्ही। नहीं भी बनो तो हलवा बनने का सबसे अवगढ़ काम, मुश्किल काम, वो गाजर को बारीक बारीक किसना होता है। थोड़ा सा गया मैं, लेकिन हालत खराब हो गई। उनको ही करने दो, इधर मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये मेरे को जमता है, वो नहीं जमता। बहुत ज्यादा मेहनत दिया है, मुंह देखो अंगोड़े के लिए यार। खाना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, खाना है तो काम करना पड़ेगा। हाथ दुखने लग गए यहाँ पे, लेकिन गाजर खत्म नहीं हो रहे। और ये भाई गाजर कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्त के मेहनत देखे नहीं जा रही, तो गाजर ही कम कर देता हूँ मैंने। अच्छा है, वाह, ऐसा लग रहा है अभी निकाल के खा लूं, लेकिन अभी तक पका नहीं है पूरी तरह से। पकने देते इसे। कितनी देर लगेगी इसे पकने में? बहुत टाइम लग रहा है, रहा नहीं जा रहा यार। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दार मोड़ ना। जाओ दे। अब लगभग हो ही है। इसमें सबसे महंगा आइटम डालना पड़ेगा, काजू बादाम। 20 रुपए में 10 या 10 भी नहीं आए आई गेस। एक काजू की पूड़ी में, एक काजू के पैकेज में, दो फुल काजू और एक हाफ काजू, 5 रुपए में। ये क्या बात है भाई। ठीक है, अब डाल देते। फाइनली आधे घंटे के इंतजार के बाद पूरी तरह से बन के तैयार। अब इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, और फिर खा लेते हैं। डन। क्यों खा नहीं पा रहे हो बेटे? हजम नहीं हो रहा है। हजम नहीं हो रहा है, आवरट है। तुला वाटला, तेरे को लगा मिलेगा नहीं दोबारा, तो फुल प्लेटें भर भर के ले आया और खाना या नहीं जा रहा है। एक बार अरे बहुत हलवा बनाया हमने, मिलेगा बहुत ज्यादा है, पूरे शाम तक पूरेगा, इतना है। इतना अच्छा है, कैसा लग रहा है? और लू। लेकिन पेट में जगह नहीं दे रहे। उसे वो ताई का प्यार कहते, ताई का प्यार नहीं, तेरा भुक्कड़पना कहते। बाट खा जल्दी जल्दी। इतना मीठा खाने के बाद इतनी जोर से नींद आ रही है, लेकिन अभी क्लास है, उसको जाना है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। बचा हुआ है अभी भी, तो खत्म कर ही लेते हैं। शाम के लगभग 6 बज रहे, लाइट चली गई, क्योंकि मौसम पूरा बारिश का हो चुका है। जहाँ देखो वहाँ ऐसा लग रहा है इतनी जोर से आएंगे। देखो पिछले 7
पाँच छः दिन से ऐसा ही चल रहा है। नासिक में एक ही बार हुई, लेकिन ठीक है, अभी देखो बादल आवाज़ करने लग गई। बारिश आने ही वाली है, बस हवा बहुत तेज। छुपते छुपाते सब लोग सीखने लग गए। बारिश थोड़ी तेज ही चालू हो गई, अभी बिजली अभी कड़क रही है। ये खतरनाक वाला मौसम। बारिश थोड़ी बहुत बंद हो चुकी है, हम निकल लेते हैं। जिम को टप्पा देना इट्स नॉट अ गुड थिंग, यू नो, तो थोड़े पैक भी हो गए। थोड़ी बहुत बारिश चल रही है, इतना तो बिहेव करेंगे। नहीं होना रो लामी मित्रा, टेक केयर ब्रो, चलियो का मेरे तो मैं तो यस यस टेक केयर, पहला बोलो ना एंड कीप द आवेशला। बारिश उतनी, बारिश कम, तूफान ज़्यादा था। 20-25% तो मैं गीला हो ही गया, लेकिन कोई नहीं, आ गई जिम। भाई फॉर्म में, भाई तेरा भाई फॉर्म में रहता है, ये ज़्यादा हो रहा है। आज फटाफट वर्कआउट निपटा लेते हैं, हमें लेग प्रेस करने का आज मचे गए ऑलमोस्ट। हाँ जितना होगा उतना, आज शोल्डर होंगे तो करेंगे, वरना लेग पे ही निपटा लीजिए, क्योंकि ऋषि घर पे अकेला है तो ज़्यादा जान पहचान नहीं, बाकी लोगों से तो ज्यादा। भाई से बोल रहा हूँ मेरे साथ भाई मार ले इसे बैक और भाई से, पर बोलता है नहीं आज लेग से मारना है। रूटीन होती है। अभी 60 किलो के साथ 10 रेप मारे स्क्वाट के, अब वजन 80 किलो प्लस रॉड किया है, देखते कितने जाते हैं, मजा तो आ रहा है। तो फाइनली डन विद द सेट, जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल हुआ नहीं, हो गया आराम से। स्क्वाट के बाद लंजेस मारे, अब हम करेंगे लेग प्रेस। शुरुआत में 100 किलो से, मतलब 100 किलो केजी से करूँगा, और लास्ट तक कितना जाएंगे देखेंगे। 100 केजी लेग प्रेस के दो सेट हो गए, ये आखिरी सेट। वजन एक सेट में 20, 40, 70, 80, 90, 100, 115, 230 जाएगा या नहीं देखना पड़ेगा।
वेट रैप करना अच्छा लगता है, जब वेट निकालने की बारी आती है ना तो पूरी लग जाती है। भाई से देख रहे हो पूरे बारिश का मौसम जैसा फील आ रहा है यार। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक सिर्फ फोन चलता रहता है, किससे बोलता है हमको नहीं पता है। आया सिद्धार्थ का पानी से ये बग क्या नहीं थी इधर ना अरे जोर वाला है सुनाओ व्हाट फॉर ब्लॉग। खाना खत्म हो गया, अच्छी तरह से पेट भर के खाया, लेकिन अब दूध पीना है ऋषि को। हम तो नहीं पीते दूध, अमूल दूध तुमको भी पीना है। नहीं भाई हम नहीं पिएंगे आज पहले से ही। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। चलो अकेले अकेले पी रहे, थोड़ी बार लाज वाटली। विचार ला तरी मला तुम्ही घेतो का काय। आम्ही ऑलरेडी तुला बोललो बट तू यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इतना भी बदनाम मत करो हमें। ये सब समझ में आ रहा है मेरे को, दुनिया कितनी अच्छी कितनी बुरी है। दूध भारी आई नो बट लस्सी पण आई डोंट वांट मी कसे छोटे नहीं बोलते ना। ये रोड बहुत अच्छा हो गया, पहले इतना अच्छा नहीं था। टीचम के बैक गेट का रोड है, पहले ऐसे ही मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं था, अब थोड़ा सा बहुत अट्रैक्टिव। इट्स लुक नाइस। और इधर बैठने के लिए भी अच्छे अच्छे स्पॉट बनाए गए। तो मैं बहुत दिनों बाद आया इधर, मतलब ये तो मेरे रूम के पास ही लेके। ठीक है अब इधर से टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आगे गर्ल्स हॉस्टल है वो गार्ड चिल्लाने लग जाएगा हम पे। सो यू नो मतलब ये स्पॉट इतना अच्छा है, जब भी वक्त मिलेगा ना मेरे को मैं इधर घूमने ज़रूर आऊँगा। इधर इन कुत्तों को फीड किया जा रहा था, अच्छा है इनकी भी मज़ा है।